नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। आज आपको इस वीडियो के माध्यम से हम ये रोड व्यू दिखाने का काम करने वाले हैं, जो हरियाणा के सोनीपत के खरखोदा से स्टार्ट होकर दिल्ली रोड की आईएमटी तक का रोड व्यू आप देखने का काम करेंगे। इस रोड व्यू के माध्यम से आपको पता लगेगा कि वर्तमान की खरखोदा की हालत कैसी है। यहाँ पर पहले इतनी ज़्यादा औद्योगिक इकाइयाँ, यूनिट्स और वर्तमान काम नहीं चले हुए थे। और हाउसिंग सोसाइटी की बात करें तो यहाँ पर मात्र एक नेक्स्ट्रा सिटी थी, इससे अलावा यहाँ पर हाउसिंग सोसाइटी नहीं थी। लेकिन आने वाला समय खरखोदा की दिशा और दशा को बदलने का काम करने वाला है। ये रोड व्यू आप वर्तमान के खरखोदा की नहर के पास से स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब NH 334B का जो एरिया, वहाँ से। अब वीडियो में आप देख पाएंगे ये नेक्स्ट्रा सिटी का एरिया आपको देखने को मिल रहा है। इसके अंदर भी और भी ज़्यादा घर बनने का काम चला हुआ है। यहाँ पर बाहर दुकानों के लिए एक आउटलेट टाइप भी बनाया गया है और यहाँ पर लगभग जो ज़मीन है उनकी बाउंड्री का काम भी काफ़ी तेज़ी से अलग अलग पॉइंट्स पर चला हुआ है। जैसे IMT खरखोदा के अंदर लगातार काम चला हुआ है, उसी तर्ज पर यहाँ भी लगातार काम चला हुआ है। चारों तरफ का अगर आप देखेंगे तो आपको अलग अलग जगह कहीं पर कुछ बन रहा है, कहीं पर कुछ बन रहा है, ऐसे है। ज़मीन के रेट की बात करें तो हरियाणा के अंदर शायद पहली बार ऐसा हुआ कि ज़मीन जहां लाखों के रेट होते थे वहां करोड़ों के रेट पहुंच गए। ये सब IMT खरखोदा और वहां पर आने वाले मारुति के प्लांट के कारण ही संभव हो पाया है। यहाँ पर लोग आज भी ज़मीन खरीदने में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। एक समय बीच में ऐसा आया था कि ज़मीन के रेट यहाँ पर कम हो गए थे, क्योंकि ज़मीन के रेटों में भारी बदलाव आ देखने को मिला था, क्योंकि ज़मीन लोग थोड़ी दूरी पर खरीदना पसंद करने लगे थे। लेकिन दोबारा से लोगों का रुझान IMT खरखोदा की ओर और यहाँ पर आसपास के गांवों की ज़मीन के प्लॉटों पर, रेटों पर और कृषि योग्य भूमि पर पड़ गया है। तो यहाँ देखने का विषय है रहेगा कि ज़मीन के रेट यहाँ पर कितने बढ़ते हैं। लेकिन ज़मीन के रेटों की अगर बात करें तो ज़मीन के रेट यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, दोबारा से रेटों में उछाल आ गया है। मामूली सा अंतर पहले से थोड़ा देखने को मिल रहा है, क्योंकि रेट यहाँ पर रोड से लगती ज़मीन तो मिलना भी असंभव के बराबर हो गया है। और ज़्यादातर व्यक्ति यहाँ पर ज़मीन खरीद के सेल्यू लेने की तैयारी भी कर रहे हैं। वर्तमान का खरखोदा शहर से दिल्ली रोड में जितने गाँव पड़ते हैं और इनके 2-3 किलोमीटर के एरिया में जितनी भी ज़मीन है, सारी ज़मीन काफ़ी ज़्यादा महंगी हो चुकी है। यहाँ पर ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर का स्टेशन, इसके अलावा IMT खरखोदा, खरखोदा मास्टर प्लान 2031 और दिल्ली के होलसेल मार्केट जो फिरोजपुर बांगड़ के लिए भी पेशकश की गई थी, इस प्रकार यहाँ पर अनेक इंडस्ट्रीज आ रही हैं। और KMP कुर्ली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे से जो वाहन दिल्ली की तरफ जाते हैं नरेला बवाड़ा साइड, वे भी यहीं का प्रयोग करते हैं। ये जो रोड आपको सामने दिखाई दे रहा है, इस पर ऐसा समय आता था कि यहाँ पर भीड़ भी नहीं होती थी, लेकिन आज दोबारा से यहाँ पर ऐसा हो गया है कि यहाँ पर गाड़ियों को ओवरटेक करने तक का समय नहीं लग पाता, मतलब इतनी ज़्यादा भीड़ यहाँ पर हो जाती है। यहाँ पर आप पीपली गांव के ये नज़ारे देख रहे हैं। पीपली गांव को क्रॉस करते हुए KMP आएगा और KMP के बिल्कुल बगल में IMT आएगी और साथ में ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर भी यहीं पर आने वाला है। जो पीपली गांव के चारों साइड का एरिया सापला के 2041 मास्टर प्लान के जो सेक्टर हैं उनके दिन वो सारा का सारा एरिया डेवलप करने का काम किया जाएगा। तो आने वाले समय में खरखोदा गुरुग्राम से कम नहीं रहेगा, क्योंकि गुरुग्राम का जो मेन प्लांट है, जो शहर के अंदर स्थित है, उस प्लांट को उम्मीद जताई जा रही है बंद करने का काम कर दिया जाएगा और मारुति को खरखोदा में शिफ्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर 4 प्लांट बनाए जाने का प्रावधान है, जिनमें 1 बाइकों का प्लांट और 3 गाड़ियों के प्लांट बनाए जाएंगे, जिनमें मारुति का पहला प्लांट खरखोदा 2026 तक तैयार करके चालू करने की पूरी पूरी प्लानिंग की गई है। आपने इससे पहली वीडियो में भी देखा होगा, हमने दिखाने का काम किया था कि लगातार वहां पर बाउंड्री का काम चला हुआ है और काफ़ी तेज़ी से अलग अलग कंपनियां IMT खरखोदा के अंदर काम कर रही हैं। तो मारुति की भी यही संभावना है कि मारुति के आने के बाद इस क्षेत्र की दिशा और दशा बदल जाएगी और KMP का फायदा भी इन लोगों को मिलेगा, क्योंकि दिल्ली के चारों ओर वाहनों को इधर उधर पहुंचाने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी और साथ में ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर के माध्यम से माल ढुलाई भी आसानी से यहां से की जाएगी।
इसी के साथ आप देख पाएंगे पीपली गांव के अंदर के नज़ारे। जैसे आप देख सकते हैं ये प्लाट आप देख रहे हैं, इस प्रकार कई जगह पर ऐसे निर्माण कार्य चले हुए हैं जो रोड के नज़दीक भी है और रोड से कुछ हद की दूरी पर भी आपको ये प्लांट देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर जमीन के रेट की बात करें तो आपको 7, 8, 9, 10 करोड़ तक के भी रेट मिल जाते हैं। लाखों में तो आप सोचना ही बंद कर दीजिए, यहाँ पर प्रति एकड़ का ऐसा कोई जमीन नहीं है जो लाखों में आपको मिल जाए। हाँ, कुछ जमीन हो सकती है थोड़ी बहुत गांव के बंजर इलाकों में जहाँ पर कोई प्लान नहीं है, वहाँ पर आपको सस्ती मिल सकती है। अब IMT के हम एक सेपरेट वीडियो आगे बनाएंगे, IMT फेज 1 जहाँ पर काम चला हुआ है, IMT फेज 2 और IMT फेज 3। खरखोदा में 3 फेज में IMT को डेवलप करने का काम HSIIDC द्वारा किया जाएगा। अब सामने आपको KMP कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे देखने को मिल रहा होगा। यहाँ आप देखेंगे वाहनों की कतारें लगी हुई हैं। एक होटल हब या रेस्टोरेंट हब के रूप में ये एरिया डेवलप हो चुका है, जो कि अनएक्सपेक्टेड था, मतलब ऐसी कोई संभावना नहीं थी कि ऐसा कुछ डेवलप होगा। लेकिन देखिए यहाँ पर इस टोल पर भी भीड़ काफ़ी ज़्यादा रहती है। अब हम KMP को नीचे से क्रॉस करने का काम कर रहे हैं और KMP को जैसे ही हम क्रॉस करते हैं तो आपको बिल्कुल मेरे दाएं हाथ की तरफ IMT का एरिया देखने को मिलेगा। ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर का स्टेशन भी इसी एरिया में आएगा और पीपली का कॉलेज भी यहीं पर आपको देखने को मिलेगा। तो अपने इस वीडियो के माध्यम से बारीकी से हर पॉइंट्स को देखा और आपको कैसी ये वीडियो लगी, वीडियो के बारे में बताने का काम जरूर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय देने का काम करें, साथ में वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने का भी काम कीजिए ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली हर बारीक से बारीक अपडेट आपको आसानी से मिलती रहे। इसी के साथ आप पूरी वीडियो को आगे तक देखें और अपनी प्रतिक्रिया देने का काम जरूर करें।